बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पार्ट 9 आओ करें कुछ काम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आप सब लोग अपनी पुस्तक निकालिए। देखिए पुस्तक में पार्ट 9 आओ करें कुछ काम। काम को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया भी कहते हैं। काम को क्या कहते हैं? क्रिया भी कहते हैं। काम को करना या काम का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, इन चित्रों में को देखो, लिखो इनमें से क्या क्या हो रहा है। आपको क्या करना है? इन चित्रों को देखो, लिखो इनमें क्या क्या हो रहा है। ये लड़का है, लड़का, लड़की का नाम क्या है? समीर। समीर क्या कर रहा है? समीर खेल रहा है। बच्चों इस पुस्तक को पढ़ने से पहले हम आपको पहले क्रिया की परिभाषा बताते हैं। क्रिया मतलब काम का करना या होना। जो भी काम हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो सब क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जब भी कोई काम हम करते हैं तो वो क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये लड़का? समीर खेल रहा है। फुटबॉल से क्या कर रहा है? खेल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे खेल। फिर ऋतु तबला रही है। क्या कर रही है ऋतु? बजा रही है ना तबला। यहाँ पे लिखेंगे बजा। समीर खेल रहा है, ऋतु तबला बजा रही है। इसके बाद आप ये देखो क्या है, ये बारिश हो रही है। बारिश हो रही है ना, ये लड़की छाता लेके खड़ी है। और छाता हम कब लेते हैं? बारिश के समय लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बारिश क्या कर रही है? हो रही है। बारिश हो रही है। ये नदी है, नदी कौन सा कार्य कर रही है? नदी बहने का काम कर रही है। यहाँ हम लिखेंगे नदी बह रही है। इसके बाद देखो आप, उपयुक्त चित्रों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ये आपने ऊपर देखा ना, सारे चित्र में कोई ना कोई काम करते हुए सब लोग दिख रहे हैं, जैसे खेलना, तबला बजाना, बारिश होना, नदी बहना, ये सारे काम हो रहे हैं ना। कुछ और काम बताने वाले शब्द जानो। इसके अलावा भी आप कुछ और भी शब्द जानिए जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये काम हो रहा है या काम का होना। जैसे सोना, उठना, खेलना, चलना, पढ़ना, लिखना, तैरना, टहलना, रात होना, चांद निकलना, बादल छाना, हवा चलना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। जब कोई भी काम होता रहता है या काम होने वाला होता है तो वो क्रिया कहलाता है। ये बच्चों हम लोगों ने पेज नंबर यानी पृष्ठ संख्या 47 पढ़ा है ना। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 48 पे आते हैं। आप लोग चलिए पृष्ठ संख्या 48 निकालिए। तो इस पेज में देखिए क्या है, आओ करें कुछ काम, यानी हम क्या करेंगे? पुस्तक में अभ्यास करेंगे। आपको क्या करना है? चित्र में सही जगह पर सही वर्ण लिखकर बताओ कौन क्या कर रहा है। इसका आप फिर से देखो, चित्र में सही जगह पर सही वर्ण लिखकर बताओ कौन क्या कर रहा है। ये आपने चित्र ध्यान से देख लिया। अब इसके बाद इसका देखो नीचे दिया है ना, क में खेलना, ख में पढ़ना, ग में नाचना, घ में पीना और अंग में खाना। आप ये चित्र देखो, ये क्या है? पीना। तो पीना कहाँ लिखा हुआ है? घ में। घ यहाँ पे हम लोग घ लिखेंगे, घ माने पीना, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? पढ़ना है ना, तो पढ़ना कहाँ लिखा है? ख में। तो यहाँ पे हम ख नंबर डालेंगे, ख डालेंगे ना, ख वर्ड लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये देखो क्या है, क पे खेलना। ये लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है। क में खेल रहा है और ख पढ़ना यानी ख यहाँ लिखेंगे। ग क्या है? नाचना। तो ये ग यहाँ लिखेंगे और घ पीना यहाँ लिखेंगे और अंग खाना वो यहाँ लिखेंगे। चलो आप लोग फिर से लिखो, क माने खेलना,
यानी यहाँ पे का मतलब खेलने से है, तो बच्चा यहाँ खेल रहा है, यहाँ का लिखो ख, ख का में आपको ये क्या कर रहा है पढ़ना, यहाँ ख लिखेंगे, यहाँ ग, ग मतलब नाचना, तो ये लड़की नाच रही है तो यहाँ पे हम ग लिखेंगे, फिर घ में ये चाय पी रही है तो यहाँ पे पीना घ लिखेंगे, और ये कुत्ता खाना खा रहा है तो यहाँ पे अंग लिखी, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद आप लोग आइए प्रश्न नंबर दो पर। प्रश्न नंबर दो देखिए क्या है, प्रश्न नंबर दो में दिया है सही जोड़े बनाकर लिखो। यहाँ पे आपको सही जोड़े बना के लिखना है, जैसे एक दिखाया है पैदल, तो पैदल हम चलते हैं ना, तो पैदल चलना हो गया, कपड़े धोना, सुबह उठना, सैर करना, खाना खाना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच के इसको मिला दिए, लेकिन अब हमको कैसे लिखना है, यहाँ पे पैदल चलना, तो यहाँ पे लिखा है ना पैदल चलना, इसी तरह हम लोग को इसके नीचे लिखना है, तो सुबह उठना, सैर करना, खाना खाना। आप लोग लिखो क्या है, कपड़े धोना, सुबह उठना, सैर करना, खाना खाना। ये आपको क्रिया समझ में आया, इसे आप इस पुस्तक को दो बार तीन बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पृष्ठ संख्या 49, 49 में आप लोग देखो क्या लिखा है, प्रश्न नंबर तीन में ना लगाकर शब्द पर बनाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो पढ़ धन ना, बराबर क्या हो गया, पढ़ना हो गया ना, तो पढ़ यहाँ पे ना लिखा है, इसको एक साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। इसी तरह दौड़ ना, दौड़ना हो गया, चल ना, चलना हो गया, खेल ना, खेलना हो गया, बैठना, बैठना हो गया। हमको पढ़, दौड़, चल, खेल, बैठ सब में ना ना जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ का पढ़ना, दौड़ का दौड़ना, चल का चलना, खेल का खेलना, और बैठना, बैठ का क्या हो गया, बैठना। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर चार पे। प्रश्न नंबर चार देखो क्या है, मंजूषा के सही शब्दों से वाक्य पूरा करो, यानी यहाँ से आपको शब्दों को ढूंढकर खाली स्थान में भरना है। देखो क्या दिया है, दो लड़कियाँ झूला, यहाँ पे लिखा है झूल रही हैं, तो झूल हम यहाँ लिख देंगे, दो लड़कियाँ झूला झूल रही हैं। फिर दादाजी टीवी देख रहे हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं, क्या टीवी देखते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे देख रहे हैं। फिर एक लड़का मैदान में क्या कर रहा है, देखो मैदान में लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये खेल यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक लड़का मैदान में खेल रहा है। उसके बाद दो बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, किताब क्या होती है, पढ़ने की चीज़ होती है ना, तो दो बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपको प्रश्न नंबर पाँच में, प्रश्न नंबर पाँच देखिए आपका क्या है, आप दिन में कई काम करते हैं, अपनी पसंद के कोई चार काम लिखो। ये आपका क्या है, HW है, यानी गृह कार्य है। गृह कार्य में आपको क्या करना है, आप इन चारों कामों को पुस्तक में लिखेंगे, क ख ग घ, ये चार काम है जिसे आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे कॉपी कार्य पे। चलिए अब हम लोग इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम लोग अब कॉपी में कार्य करना शुरू करेंगे। चलिए आप लोग अपनी कॉपी निकालिए। कॉपी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शिरोरेखा सबसे ऊपर लिखेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे ऊपर, सबसे ऊपर लिखेंगे ना, एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद पार्ट 9 यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के पार्ट 9, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और लिखेंगे आओ करें कुछ काम,
क्या लिखेंगे? आओ करें कुछ काम, यहाँ पर दिनांक, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे प्रश्न नंबर एक, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या लिखना है? क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हम लोग जब भी लिखेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें एक एक मूल्य का अंतर देखना है, ठीक है? ये देखो, फिर एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे उत्तर, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। व्यक्त माने पता चलता या प्रकट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे उदाहरण, खेलना, चलना, पढ़ना, तैरना आदि। फिर से देखो, उदाहरण क्या है? खेलना, चलना, पढ़ना, तैरना आदि। आप इसे अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखेंगे और उसे अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको गृह कार्य करना है। आप एक और दूसरे पेज पे, दूसरे पृष्ठ संख्या पे आपको क्या करना है? एक और शिरोरेखा खींचनी है, ऊपर और नीचे बीच में लिखना है गृह कार्य। प्रश्न नंबर सात है, अपनी दिनचर्या के कोई पांच कार्य लिखिए। आप जो भी आप रूटीन वे में अपने दिनचर्या में कार्य करते हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना है, कोई भी पांच काम। आप इसे लिख लीजिए और मैं अपनी पुस्तक से पुस्तक अभ्यास और प्रश्न उत्तर अच्छे से याद कर लेना और ये कार्य पूरा कर लेना। धन्यवाद बच्चों।